हम रिव्यू करने वाले हैं 2023 की बजाज पल्सर 150 ड्यूल डिस्क। ये है 2023 बजाज पल्सर 150 ड्यूल डिस्क। ये वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में ये बाइक का राइड करेंगे, साथ ही साथ ये बाइक को हम कंपेयर करेंगे यामाहा की FZS से कि आपके लिए कौन सी बाइक अच्छी हो सकती है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कंपनी ने दो चेंज इसके अंदर किए हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूं। एंड एक चीज़ और आपको मैं इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं बता दूं कि अब अगर ये बाइक आप लेते हैं जुलाई 1 से लेकर जुलाई एंड तक, आपको 5000 रुपीज़ का कैशबैक है। और ये जो कैशबैक है ये सिर्फ एंड सिर्फ तेलंगाना के लिए है। अगर आप हैदराबाद से हैं तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके, बजाज अभिनंदन यहाँ पे कांटेक्ट करके आपका 5000 का जो कैशबैक है वो आप ले सकते हैं। एक्सशोरूम पे आपको कैशबैक मिलेगा। इसका एक्सशोरूम प्राइस है ड्यूल डिस्क का हैदराबाद में 1,17,000 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कर लो, आपको 5000 का कैशबैक भी इसमें मिल जाएगा कि आपको फाइनल कितना पे करना पड़ेगा। अब आपको मैं पहले इसका जो चेंज है वो बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसको राइड पर लेकर चलेंगे। सो चेंज एक ही हुआ है, यहाँ पे आपको अगर दिखा सकूँ मैं तो एक ही चेंज हुआ है, वो है E20, मतलब एथेनॉल 20% कंप्लायंट इंजन के साथ ये बाइक अब आती है। तो जब भी एथेनॉल 20% वाला फ्यूल अवेलेबल रहेगा इंडिया में, वो टाइम पे आप डायरेक्टली वो फ्यूल इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक मतलब OBD टूल मिलता है। तो ये एक चेंज किया गया है। दूसरा चेंज जो हुआ है ना वो आपको मैं चलने के टाइम पर बताऊँगा, क्योंकि अब अगर बताऊँगा ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सो पहले इसकी एग्जॉस्ट की आपको मैं साउंड सुना देता हूँ, उसके बाद में हम इसको लेके चलते हैं राइड पर। थर्ड गियर में है, लेट्स सी 70 क्रॉस कर पाती है। यस, आराम से ये 80 भी क्रॉस कर जाएगी। तो थर्ड गियर में 80 की स्पीड पे ये चल रही है अभी। सो आप पिकअप देख लो, इसका जो गियर रेशियो ना फर्स्ट एंड सेकंड गियर उतना टॉल नहीं है, लेकिन थर्ड गियर जो है वो थोड़ा सा टॉल है। 10,000 RPM पे ये RPM की जो लिमिट है ना वो हिट कर देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पिकअप जो है ना बाइक के अंदर इनिशियल RPM से ही बहुत ही अच्छा है। हालांकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा हाँ यार कि 4000 RPM तक थोड़ी सी गाड़ी कम भाग रही है, हालांकि इंजन रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, आपको इंजन से आवाज़ आ रही है, बट आपको वो एक पिकअप है ना झटके वाला वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है, विच इज़ ऑल गुड। मतलब 4000 RPM आप झट से मतलब रीच कर पाओगे आप, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। सो इनिशियल पिकअप जो बाइक का है वो काफ़ी अच्छा है। मिड रेंज में गाड़ी बहुत ही अच्छा आपको पावर देती है। और जैसे मैंने आपको अभी एक 10 सेकंड पहले बताया कि इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड गियर है ना उतना टॉल नहीं है, लेकिन थर्ड गियर जो है ना वो थोड़ा सा टॉल मुझे फील हुआ, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ गियर वो भी टॉल है। तो आपको यहाँ पे जो इंजन का रिफाइनमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब देखो जब आप झट से गियर शिफ्ट करते हो ना तो वो टाइम पे क्या है इंजन ज़्यादा स्ट्रेस लेता नहीं है, और जब आप लॉन्ग गियर रेशियो वाली बाइक चलाते हो ना वो टाइम पे क्या होता है कि इंजन बहुत देर तक रेव करता रहता है एक ही गियर में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा, स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो आपको जो पावर आउटपुट है वो इनिशियल RPM में एंड मिड RPM में बहुत ही अच्छा मिलेगा। मतलब आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि यार आप ट्रैफिक में किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको पावर की कमी फील हो रही है आपको, या फिर दो गियर आपको डाउन करने पड़ रहे हैं। अभी मैं पांचवें गियर में चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी थ्रोटल गाड़ी को मारूंगा ना तो गाड़ी झट से भागेगी। ये देखो सो ये पिकअप है ना वो कब काम आता है बता, जब आप किसी को ओवरटेक करना चाह रहे हो। लेट्स से अभी देखो मैं पांचवें गियर में, हालांकि यहाँ तो आपको गियर नहीं दिखेगा, जैसे मैं पांचवें गियर में हूँ मुझे किसी को ओवरटेक करना है, तो मुझे अगर बहुत जल्दी ओवरटेक करना है तो मैं एक गियर डाउन कर दूंगा, मुझे दो गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको आराम से क्रॉस करना है तो आप पांचवें गियर में मतलब जिस गियर में आप अभी हो वही गियर में आप ओवरटेक कर सकते हो। तो इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में बहुत ज़्यादा हायर RPM में ये बाइक को खींचते हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बज फील होगा फुटपैक्स पे, और थोड़ा सा जो यहाँ पे टैंक है इसके दोनों तरफ आपको थोड़ा सा बज फील होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको वाइब्रेशन फील होगा, उससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एंड मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में गाड़ी को ज़्यादा हायर RPM पे मत लेके जाइए, उससे क्या है वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, साथ ही साथ आपको माइलेज कम मिलता है, इंजन भी स्ट्रेस लेता है। कोई भी बाइक का आप देख लो, मतलब कि आप थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में ये गाड़ी को कैसे भी चला लो, कोई RPM पे चला लो, आपको कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा। नॉर्मल जो वाइब्रेशन होते हैं इंजन का जो बज होता है वो कोई भी गाड़ी में आपको फील होगा, चाहे आप चाहे
200 सीसी की गाड़ी ले लो, 150 सीसी की ले लो, या आप 400 सीसी की ले लो, हर एक गाड़ी में आपको बस फील होगा। इंजन रिफाइनमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आपको मतलब आप पूरे दिन आप चलाओ, हायर स्पीड पे चलाओ, आप 90 से लेकर 100 तक किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आप हाईवे पे यू नो मेंटेन करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। बट सिटी के अंदर स्पेशली आपको गाड़ी मतलब चलाने में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको याद है BS3 जब ये बाइक था वो टाइम पे आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन आते थे, मतलब आप 8 से 10 किलोमीटर चलाने के बाद में जैसे इंजन गर्म होता था तो थोड़ी सी आपको हीट फील होती थी और वो टाइम पर थोड़ा सा पिकअप भी डाउन हो जाता था। बहुत सारे लोगों ने मतलब पुराना बहुत पहले 4-5 साल पहले मैंने वीडियोज़ देखे थे जहाँ पे कई ओनर लोग इसके बारे में बता रहे थे जो गाड़ी को चला रहे कि थोड़ी हीट होती है और थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाता है एक 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में। जैसे BS4 को कन्वर्जन हुआ उसके बाद में ये गाड़ी के मतलब शानदार इंजन परफॉर्मेंस आ गई, रिफाइनमेंट बहुत अच्छा आ गया, कहीं भी आपको कोई वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं होते हैं। स्पेशली अब जो BS6 फेज 2 वेरियंट है इसमें आपको कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। क्लच का जो फील है वो ना तो मैं ज़्यादा हल्का कहूँगा ना ज़्यादा हार्ड कहूँगा, आप नॉर्मली अगर सिटी में आप बार बार गियर भी चेंज करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अगर 1 या 2 दिन में आप यूज्ड हो जाओगे। गियर शिफ्ट है, मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ, वैसे तो मैं बार बार गियर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी देखो मैं 5वें गियर में चल रहा हूँ, आगे गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, देखो 5वें गियर में चल रहा हूँ 35 से 40 की स्पीड पे, मुझे गियर डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर मैं 1 गियर डाउन भी करता हूँ तो भी मैं आराम से 30 की स्पीड पे ये बाइक पे चल सकता हूँ, बट आप यहाँ पे देखोगे तो मैं अभी 5वें गियर में चल रहा हूँ, आराम से चल रही है बाइक में, कोई भी आपको जर्क फील नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो लोग स्पेशली सिटी राइड्स के लिए बाइक लेना चाहते हैं, ऑलवेज कीप इट रिमेंबर कि गाड़ी हायर गियर में लोअर स्पीड पे चलने लायक रहनी चाहिए। यार रॉन्ग साइड तो मत आओ यार, हायर स्पीड गियर शिफ्ट नहीं कर पाओगे सिटी में, अगर आप कर भी पाओगे तो आप थक जाओगे, सो टायर्डनेस आपको फील होगी, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। अभी मैं चौथे गियर में चल रहा हूँ, अभी एक जो गियर मैंने शिफ्ट किया ये 5वां गियर है, तो 5वें गियर में थोड़ा सा मुझे जर्क्स यहाँ पे आ रहा है, पर चौथे गियर में आप आराम से देख सकते हैं मैं 20 की स्पीड पे यहाँ पे चल पा रहा हूँ, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। सो गियर बॉक्स को लेके आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। रही बात ब्रेक्स की, तो पीछे का जो ब्रेक है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप नॉर्मली एक 2-व्हीलर से पीछे का जो ब्रेक है वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपको मैं ब्रेक लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो आपको शायद थोड़ी सी आवाज़ आई होगी ब्रेक के मतलब टायर स्किड होने के, बट पीछे के ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है। सामने आपको बताइए इसमें ABS मिलता है, सो सामने के ब्रेक की ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। वैसे भी अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो जैसा आपको समझ में आए आप वैसा करो, बट आप एक प्री डिसाइडेड ब्रेकिंग करते हो ना वो टाइम पे आपको क्या करना है, 70% ब्रेक सामने का यूज़ करना है, 30% पीछे का यूज़ करना है, मतलब आप आराम से रोक पाओगे। सो ब्रेक्स को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ क्यों। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे मुझे है ना ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है भाई। देखो इसका लुक है ना ये स्पोर्ट वाली बाइक का है, इतनी बल्कि ये बाइक दिखती है, इतना अच्छा इसका जो स्टैंड है मतलब जिस तरीके से ये दिखती है ना पूरा स्पोर्ट्स वाला आपको फील देती है और बड़ी बाइक का फील भी आपको देती है। फिर भी ये गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना वो इतने अच्छे से ट्यून किया गया है कि आप चाहे ख़राब रोड पे लेके जाओ, चाहे आप हाई स्पीड पे लेके जाओ, ख़राब रोड पे आपको बिल्कुल भी बाइक उछालेगी नहीं, आप हाई स्पीड पे जाओगे आपको गाड़ी बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराएगी कि बाइक ये स्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अरे भैया कोई बात नहीं जाने दो। सो हाई स्पीड पे भी ये बाइक आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराएगी कि ये स्टेबल नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा कंसर्न आपको कहाँ होता है, कोई भी जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप पहले सोचते हो कि यार वजन कितना है, क्या इजीली मैं उसको ट्रैफिक में चला पाऊंगा, तो यहाँ पे ये गाड़ी हालांकि गाड़ी थोड़ी बड़ी है, बड़ी बाइक का फील कराती है, कोई भी देख के इसको बता नहीं सकता कि 150 सीसी सेगमेंट की ये बाइक है, 200-250 सीसी की ये बाइक दिखती है, बड़ी है, नाम ही इसका पल्सर है, बट आप इसके लुक्स पे मत जाइए, आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो ट्रैफिक में, मक्खन की तरह आपको ये राइडिंग जो है कंफर्ट है वो दे देगी आपको। सो यहाँ पे ये गाड़ी की अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर स्लो स्पीड पे भी चलाते हो ना तो आपको वजन ज़्यादा फील नहीं होता है, और आपको लेफ्ट और राइट अचानक से लेना है, कोई ऑटो के पीछे बाजू से निकालना है, बस के बाजू से निकालना है, कुछ भी आपको करना आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो इन टर्म्स ऑफ यू नो राइडिंग इन द ट्रैफिक, मैनेवरेबिलिटी, ये सब बहुत ही अच्छा है गाड़ी का। एंड अगर आप में सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा मुझे ये वाला जो यू नो वेरिएंट है जिसमें आपको ड्यूल डिस्क मिलता है इसमें थोड़ा सा आपको सामने झुक के बैठने की जरूरत पड़ती है बिकॉज यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिए जाते हैं, थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स वाला फील आता है, बट इट इज़ सो मच कंफर्टेबल दैट आप पूरे दिन भी राइड करोगे ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना आपको सिटिंग पोस्चर से दिक्कत होगी, ना इसके सीट के कंफर्ट से आपको कोई दिक्कत होगी, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। स्टिल अगर आपको और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो आप इनकी जो सिंगल सीट वाली बाइक है
जैसे कि वाला वेरिएंट आता है, इससे एक नीचे वाला वेरिएंट वो आप ले सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा गुड लुकिंग बाइक चाहिए, थोड़ा स्पोर्ट्स वाला फील चाहिए आपको ड्यूल डिस्क से, तो ये वाला बाइक आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको कम्फर्ट नेक्स्ट लेवल मिलेगा, बट अगर आप यू नो फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ मतलब बैठ के गाड़ी को चलाओगे, तो वो टाइम पर आप सिंगल सीट वाला जो है मतलब जिसके अंदर आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, वो वाला वेरिएंट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखो जब मैं स्पेशली कोई भी आप देख लो, आप ये चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि आप जब सिटी में चलाते हो ना, तो आपके लिए दो चीज़ बहुत मायने रखती है। चलो यू नो कैसे राइड कर रही है, सीट हाइट क्या है, वजन कितना है, वो तो है ही है, इसके अलावा जिस स्पीड पे आप चला रहे हो वो स्पीड पे आपको गाड़ी कितना माइलेज दे रही है वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे आप देखो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, जो स्पीड पे मैं अभी चला रहा हूँ और जो गियर में चला रहा हूँ, जो आरपीएम पे चला रहा हूँ, वो आरपीएम पे अगर आप पूरे दिन चलाओगे तो आपको इतना माइलेज मिलेगा। अगर मैं थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ और मैं इसको हायर गियर में डालता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए जो माइलेज है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। मतलब 50-60 की स्पीड पे मैं पांचवें गियर में चला रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा माइलेज यहाँ पे मिल जाएगा। अभी 46 का माइलेज, 50 का माइलेज मुझे दे रही है। तो आपका जो आरपीएम है और आप जिस गियर में बाइक को चला रहे हो, जिस स्पीड पे चला रहे हो, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, यहाँ पे 51 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये दो चीज़ें ना बहुत काम आती है, बाकी तो पता ही आपको एक प्रैक्टिकल बाइक के लिए क्या क्या, स्पेशली ट्रैफिक में आप बाइक को ज़्यादा चलाते हैं तो वो टाइम पे आपको क्या क्या देखना है। बट ये चीज़ हम बहुत देखते हैं, भाई चलो गाड़ी अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है, देती कितना है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे 51 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक दे रही है। और आप देख सकते हैं मैं इसको ट्रैफिक में भी चला रहा था एंड अभी खाली रोड है यहाँ पे भी मैं इसको चला रहा हूँ। अगर मैं और अच्छी स्पीड मेंटेन करूँगा 50-60 या 70 की, तो भी मुझे 50 का माइलेज ये बाइक आराम से दे देगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा माइलेज कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी ये जो बाइक है ना, ये इंजन सीसी सेगमेंट में बहुत अच्छा माइलेज देती है। मतलब सबसे ज़्यादा माइलेज वाली जो बाइक्स होती है ना, उनमें से ये बाइक एक है। मुझे पुराने वाले वीडियो पे एक कमेंट आया था कि भाई आप जब भी बाइक चलाते हो ना, तो प्लीज़ टॉप स्पीड हमें दिखाया करें। तो आपको एक चीज़ बता दूं, देखो मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ ना, 90% ऑफ देम आर इन द सिटी, तो सिटी लिमिट्स में मैं टॉप स्पीड टेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि कमिटिंग सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उनका मैं 0 to 80 आपको करके दिखा सकता हूँ, या फिर जहाँ पर मुझे खाली रोड मिलेगी ऐसी वाली, तो वहाँ पर मैं 0 to 100 करके दिखा सकता हूँ। तो अब एक काम करेंगे ना, इसको दूसरी साइड में लेके जाता हूँ मैं, और वहाँ पर जाके इसका 0 to 100 हम टेस्ट करेंगे। एंड वो टाइम पर हम देखेंगे कि भाई वो स्पीड पर अगर आप चलाते हो, स्पेशली अगर आप हाईवे वगैरह पर लेके जाते हो, तो वो टाइम पर इसमें वाइब्रेशन वो स्पीड पर आते हैं, या फिर मतलब वो स्पीड पर आप चला सकते हो, या फिर क्या इसकी जो एजिंग क्रूजिंग स्पीड हो सकती है अगर किसी भाई को इस पर ट्यूरिंग वगैरह भी करना है, तो वो अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे रोड खाली है, ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको 0 to 100 ले जाने का। फर्स्ट गियर में हूँ मैं, अभी आप देख लीजिए मैं 100 की स्पीड पे हूँ, चौथे गियर में हूँ, अभी ये पांचवा गियर बचा हुआ है। इवन एट द स्पीड ऑफ 100 बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, नॉट इवन, मतलब इतना वाइब्रेशन भी आपको फील नहीं होता है। अगर आप चप्पल वप्पल पहन के चला रहे हो तो बात अलग है, बट मैं अभी यहाँ पे जूते पहन के चला रहा हूँ। तो जब भी आप बाइक चला रहे हो और आपको हाई स्पीड करना है, चाहे कोई भी बाइक हो, आप एटलीस्ट जूते पहन के उसको चलाइए। तो आप देख सकते हैं मैं चौथे गियर में 100 की स्पीड पे था, अराउंड 8000 आरपीएम तक मैं गया था, तो वो आरपीएम पे भी ये गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। तो अगर आपको ये गाड़ी से टूरिंग वगैरह करना है, बजट में टूरिंग करना है, या आपको आपका बजट कम है, आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए और कंफर्टेबल बाइक चाहिए, तो भाई आराम से 90 से लेकर 100 ये बाइक पे आप मेंटेन कर सकते हो, और क्या चाहिए भाई। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर आपको बेटर क्या मिलता है व्हेन यू कंपेयर विथ यामा FZS। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो विजुअल अपीयरेंस है ना, मतलब ये गाड़ी आपको एक बिग बाइक का फील देती है। कोई भी ये गाड़ी को दूर से देखेगा ना, आपको यही बोलेगा कि यार ये बाइक है ना 200 से लेकर 250 सीसी वाली बाइक का जो फील है वो देती है। तो एक पहली चीज़ है कि बाइक आपको बड़ी बाइक का फील देती है। दूसरी चीज़ यह है कि इसका जो मेंटेनेंस है ना, वो थोड़ा सा कम है व्हेन यू कंपेयर विथ यामा FZS। तीसरी चीज़ यह है कि इसके अंदर आपको बहुत तगड़ा वाला पिकअप मिलता है। आपकी FZS है वो 150 सीसी सेगमेंट में सबसे कम पावर वाली बाइक है।
चौथा पॉइंट मेरा यहाँ पे रहेगा जो हम सब देखते हैं, माइलेज। ये आपको बेस्ट इन क्लास माइलेज दे देगी। थोड़ा सा माइलेज आपको यामाहा की FZS से ज़्यादा ही दे देगी, बिकॉज मैंने दोनों ही बाइक्स को बहुत दिनों तक चलाया है और मैंने दोनों ही बाइक का माइलेज टेस्ट भी किया है। देखिए ये जो बाइक है ना, ये आपको हाई स्पीड पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, बिकॉज थोड़ा सा वजन इसका है ना, उसकी वजह से आपको ज़्यादा हाई स्पीड स्टेबिलिटी दे देगी व्हेन यू कंपेयर विथ यामाहा की FZS। यामाहा की FZS से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा फास्ट है, टॉप स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलेगी। कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। मतलब अगर आप ऐसे इंसान है जिसको एक बड़ी बाइक का फील चाहिए, जिसको थोड़ा लुक वाली बाइक चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छा साउंड चाहिए, तो ये बाइक आप ले सकते हैं। आपको कोई भी मतलब बाद में रिग्रेट नहीं होगा ये लेने के बाद में। अब थोड़ी सी चीज़ें यामाहा FZS के फेवर में भी जाती है। यामाहा FZS थोड़ी सी जो है ना, इससे कम हैवी फील कराती है। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा व्हेन यू कंपेयर विथ यामाहा FZS, बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वजन को लेके, वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा हल्की फील कराती है। इसमें भी हैलोजन यूज़ करते हैं बजाज वाले, बट यामाहा में अब मेरे हिसाब से वो LED मतलब फुल आपको LED हेडलैम्प मिलती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है उसके लिए। तो किया है दोनों ही कंपनियों की बाइक्स को मैंने यूज़ किया है, ऐसा ज़्यादा मुझे रिलायबल लगता है। बट अभी जो इंजन आ रहे हैं बजाज के, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है व्हेन यू कंपेयर विथ जो BS2 BS3 इंजन होते थे ना, वो टाइम पे ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह आते थे। आज इनके जो इंजन है ना, इतने रिलायबल और इतने स्मूथ है कि आपको मतलब पुराने वाली बाइक चला के ये बाइक चलाओगे ना, तो आपको दिन रात का फ़र्क देखने को मिलेगा। एंड जो एक पॉइंट और मुझे यहाँ पे आपके साथ शेयर करना है, वो ये है कि यामाहा FZS है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ईजी टू हैंडल है। जब आप ट्रैफिक में चलाओगे ना, तो उसमें आपको थोड़ा जो हैंडलिंग है ट्रैफिक में, मतलब आप लेफ्ट और राइट ले पाओगे, वो थोड़ा यामाहा FZS में आपको थोड़ा इजीली देखने को मिल जाएगा। मतलब आप उसको थोड़ी ज़्यादा इजीली ट्रैफिक में चला पाओगे, चाहे आप शायद पिलियन के साथ, चाहे आप पिलियन के साथ चलाओ, चाहे आप अकेले चलाओ। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे थोड़े बेटर ब्रेक्स मिलते हैं, बेटर सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है ये गाड़ी की, बजाज पल्सर 150 की, ये थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है व्हेन यू कंपेयर विद यामाहा FZS। अब आपको मैं कंक्लूजन बता देता हूँ कि आपके लिए कौन सी बाइक बेहतर हो सकती है। देखो, आप ऐसे इंसान हो जिसको एक बाइक लेनी है, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड एक बाइक चाहिए आपको, तो आप यामाहा की FZS ले सकते हैं, या फिर इसका जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट है वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ी सी आपको ज़्यादा हल्की और थोड़ा सा मेरे हिसाब से व्हील बेस, थोड़ी कॉम्पैक्ट बाइक आपको चाहिए, तो आप यामाहा FZS ले सकते हैं। थोड़ा लेस स्ट्रेस वाला इंजन चाहिए, स्पेशली व्हेन यू डू 60-70 की स्पीड, तो आप यामाहा FZS ले सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको थोड़ा ज़्यादा पिकअप चाहिए, अच्छा साउंड चाहिए, अच्छा लुक्स चाहिए, एंड हाई स्पीड पे ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ी बेटर ब्रेकिंग चाहिए, थोड़ा सा बेटर सस्पेंशन चाहिए, तो आप पल्सर 150 ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग वेरिएंट भी मिलते हैं, ये ड्यूल डिस्क वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आपको सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट भी मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, आपको और कुछ सवाल करना है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मेरे से बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए ये बाइक और यामाहा FZS, तो आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। ये तो क्या आगे वाला वीडियो जो है वो आपको कौन सा देखना है मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। जो भी आप बाइक का नाम लेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि वो बाइक का वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।